subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दिसो पे कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैर से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज तां सां गॾु शेयर कंदा आहियूं, तमामु सुठी रेसिपीज तां सां गॾु ठाहींदा बि आहियूं। सियारे जूं बि ऐं तव्हांजी फरमाइशूं बि पूरी कंदा आहियूं। त अॼु बि मज़ेदार हिकु रेसिपी ठहे पई। नथिया गली मरी साइड ते हिकु चिकन ठहींदी आहे, जंहिंखे चवंदा आहिनि चिकन पटाखा। हे ॾाढो मज़े जो नालो आहे। हिन जी रेसिपी तमामु मज़ेदार आहे, छाकाणि त हिन में स्पाइसी मसाला हूंदा। हीअ फ्राइड चिकन हूंदी आहे, इहे ठाहियूं पिया। गॾु हिकु सूप ठाहियूं पिया। सूप तव्हांखे सियारे में काफ़ी सारा ठाहिण सेखारिया। दलियो जेको हूंदो आहे ओट, हिकु हूंदो आहे कणिक जो दलियो दाणे वारो, जंहिंखे असां पुसाइबो आहे। हिकु दॿे में मिलंदो आहे, बिल्कुलु पिचकियल हूंदो आहे, फौरन उहो हल थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, उनजो असां ठाहींदासीं सूप वेजिटेबल सां गॾु। ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदी। स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो पुछी सघो था। एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर ऐं मिक्सर तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं। जेका फरमाइश करणी हुजे करे सघो था। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखाई, बहुत सारी आपकी फरमाइशें पूरी करता आ रहा हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट इलाकों की, डिफरेंट सिटीज़ की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, वो भी हमने बनाई हैं। तो नथिया गली आपको पता होगा, मरी से आगे है, वहाँ की एक पटाखा चिकन बड़ी मशहूर है रेसिपी। पटाखा चिकन या चिकन पटाखा उसको कहते हैं। वो स्पाइसी होती है, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, डीप फ्राई होती है, बड़ी मज़ेदार। ये नथिया गली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों में खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। साथ ही आपको सूप्स बनाना सिखाएं, बहुत सारी वैरायटी बनाना सिखाई। लेकिन ओट का सूप, ओट एंड वेजिटेबल सूप, यानी दलिया जो होता है, एक होता है दानेदार दलिया, एक डब्बे में मिलता है जो थोड़ा फ्लैक की तरह होता है, ठीक है, वो वाला दलिये के साथ हम सूप बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी फरमाइश करनी आप पूछ सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट चिकन पटाखा की। चिकन पटाखा एक नाम आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ठीक है। ये वहीं पे बनती है, बहुत से लोगों ने ट्राई भी की होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये नथिया गली अगर आप घूमने गए होंगे तो आपने ज़रूर खाई होगी ये रेसिपी, ठीक है। इसके लिए हमने चिकन लेनी है, वैसे ये होल चिकन भी बनती है, इसके 4 पीस भी करके बनाते हैं, ठीक है। साबित एक चिकन पूरी उसके साथ भी बना सकते हैं, और आप पीसेस में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरी साबित चिकन हो, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि उनके पास बड़े पतीले होते हैं तो उस हिसाब से वो करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन के 3 पीस लिए हुए हैं, एक दो लेग पीस है, एक सीने का पीस है, ठीक है। अगर 4 पीस लेना चाहें तो 4 पीस ले सकते हैं, हमने 3 पीस का बना रहे हैं, ठीक है। ये इसका वज़न भी 1 किलो के करीब है, ठीक है। चिकन पटाखा जिला रेसिपी नथिया गली मरी साइड जी रेसिपी है, तमाम मज़ेदार। हिन लाइ तव्हां टिक्का जीअं हूंदा आहिनि, 4 टिक्का खणी वठो या पूरी मुर्गी खणी वठो, साबित हुनखे भी करे सघो था, 8 पीस भी करे सघो था, डिपेंड करे थो ज़ाइको, बसि असांखे उहो ई ॾियणो आहे, ठीकु आहे। हिनखे धोईंदो, धोइण खां पोइ कट लॻाए रखंदो, कट लॻाए हिनखे वॉश करे पोइ कट लॻाईंदो। सॼा जीअं टिके में कट लॻंदा हुन तरीक़े सां कट्स लॻलनि, ठीक है, जैसे टिके में कट लॻते हैं उस तरह से आपने इसको कट लॻाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करेंगे एक मसाले के साथ, जो स्पेशल इसका मसाला बनेगा, जिसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 4 चाय के चम्मच, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसी का चिली फ्लेक्स जो होते हैं इसी का ही टेस्ट आता है। ये है गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस जो हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ वगैरह में, हॉट सॉस, वो जाएगा 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और मैदा इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, ठीक है। उसके बाद लेमन का जूस इसमें जाएगा, 2 अदद लेमन का हम जूस भी डालेंगे, ठीक है। पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 खाइण जा चमचा, कुटियल गाढ़ा मिर्च 4 चाय जा चमचा। कुटियल गाढ़ा मिर्च वधीक वेंदा, हिन खां स्पाइसी मज़ेदार चटपटी रेसिपी ठहंदी। गरम मसालो पाउडर 1 चाय जो चमचो, लूणु विझंदव 1 चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो कुटे पीसे विझंदव 1 चाय जो चमचो, ऐं कारे मिर्चनि जो पाउडर 1 चाय जो चमचो, मैदो खणंदव 2 खाइण जा चमचा,
ये आए मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पेस्ट यानी सरें के बिजन जो पेस्ट होंद या मस्टर्ड पाउडर अगर यो ना तन के बगैर भी ठही वो लेकिन ये स्पेशल मज़ेदार होंद इनका टेस्ट अगर ना तन के बगैर भी ठही ठीक है। हॉट सॉस जो चिली सॉस अस चाइनीज़ में यूज़ करना वो वो एक खाने जो चमचो इनसा गड अच्छो सिरको ब खाने जा चमचा अदरक थूम जो पेस्ट वो इनमें ब खाने जा चमचा मैदो ब खाने जा चमचा ब अदद लीमे जो रस ठीक है। ये सब अस मसालो था जो इनके मथा लगन। अब ये सारा मसाला हम बनाते जो इसके ऊपर लगाया जाएगा बल्कि इसी में बना लेते हैं। सारा मसाला हमने एक बॉल में डालना है। ठीक है सारा मसाला डाल दिया एक बॉल में। ठीक है इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के मैदा 1 टेबल स्पून मैदा मैदो विझन दो। ठीक है उनका पो अदरक थूम जो पेस्ट एक ब भरे विझंदो 1 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के डालेंगे सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच चिली सॉस हॉट सॉस जो होता है पूरा भर के डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच सरें के बिजन जो पेस्ट या पाउडर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो पाउडर फॉर्म में मिल जाती है अगर नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा लेकिन इसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ठीक है मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 अदद लेमन का जूस यानी 4 खाने के चम्मच लेमन का जूस चला जाएगा। ठीक है 2 मीडियम साइज के लेमन है। ये चटपटी रेसिपी है बड़ी मज़ेदार रेसिपी है आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2 खाने जा चमचा हिकड़े लीमे में निकलंदा 1 लेमन से 2 टेबल स्पून जितना या उससे ज़्यादा भी निकल सकता लेकिन आपने 4 से 5 टेबल स्पून जितना लेमन जूस डालना है इसी का ही फ्लेवर इसमें ज़बरदस्त आएगा। ठीक है लेमन जूस डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारा मसाला चिकन के ऊपर लगाएंगे। पानी से जो मसालों मिक्स करना से ठीक है ये मसाला पूरा पेस्ट की तरह बन जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें कलर देने के लिए थोड़ा रेडिश टोन आ जाएगी अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है ऐसा जो मसालों अच्छी तरह पेस्ट बना लिया। अब इस मसाले को हम चिकन के ऊपर लगाएंगे। एक प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हमने चिकन रखनी है लेग पीस खयो सारा मसाला अच्छी तरह कट्स में पहले लगाएं ताकि अंदर तक इसमें फ्लेवर आए चंगी तरह जगह कट्स लगल उनके अंदर पहले मसालो लगाई दो मथा का लगाने शुरू करो पूरा कोटिंग हो जाएगा मसाले का। ठीक है अच्छी तरह मसाला इसके ऊपर कोट करना है फिर पलटाएं इसके जो कट्स हैं इसमें पहले मसाला भरें। ठीक है उसके बाद पूरा मसाला पूरी चिकन पे आपने अच्छी तरह लगाना है टिक्के बना लें या पूरी होल चिकन है और इसको 3 घंटे आपने मैरिनेट करके मसाला लगा के रखना है। हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम इसे फ्राई करेंगे रिजल्ट दिखाने के लिए आपने इसको 3 घंटे मैरिनेट करके रखना है। ठीक है तां इनके 3 कलाक रखन दो उनका पो तां इनके फ्राई कर दो और ये डीप फ्राई होगी। ठीक है ये स्टीम पर नहीं जाएगी कुछ इसका नहीं होगा ये जस्ट डीप फ्राई होगी। पूरा मसाला कट्स में लगा के अच्छी तरह टिक्के के और टिक्का जब आप वॉश करें चिकन को तो फिर इसको ड्राई भी कर लें। ठीक है ये ना कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो तो सारा मसाला पानी के साथ बह जाए। ठीक है चंगी तरह जी मतलब मसालों ले पे छो लेग पे पूरा अच्छी तरह मसाला दिया। अब हम लेंगे टिक्का सीने का पीस। ठीक है ये कुछ ज़्यादा कट लग गया लगता है तो इसको आपने अच्छी तरह पूरे चिकन पीस को भी मसाला लगाना है। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक इसको मैं पूरा मसाला लगाता हूँ मसाला लग के आपने इसको 3 घंटे रखना है लेकिन हम इसको फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे। Thank you.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक होने का पहले सामू जो रेसिपी ठे पे चिकन पटाखा मज़ेदार नालो है चिकन पटाखा जो ही रेसिपी अस फ्राई क्यों पे ठीक है। चिकन पटाखा बन रही नथिया गली अयूबिया साइड की रेसिपी नथिया गली में ही रेस्टोरेंट है वहाँ पे ही बनती है ठीक है। और इसको अब अच्छी तरह आपने डीप फ्राई करना है। मैं ऑयल डालता जा रहा हूँ ताकि और चिकन को 3 घंटे आपने मैरिनेट करके रखना है। हमारे पास टाइम नहीं होता तो डायरेक्ट फ्राई कर रहा हूँ। आपने 3 घंटे रखेंगी तो उसके अंदर टेस्ट आएगा चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा ठीक है। अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगी फ्राई, स्टीम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। कट्स लगे होंगे अंदर तक पूरी डीप फ्राई हो जाएगी ठीक है। रेसिपी पूरी रिपीट करा रहा हूँ चिकन पटाखा की। इसके लिए हमने लेनी है 1 चिकन, 4 पीस करने हैं या 3 पीस में भी ले सकते हैं, 2 टिक्के के पीस भी ले सकते हैं, लेकिन 3 मैंने पीस लेते, 2 लेग पीस लेते, 1 सीने का पीस लिया था ठीक है। इसमें हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 प्याली में 2 खाने के चम्मच। उसके बाद हमने डाली कुटी हुई लाल मिर्च 4 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद जीरा कुटा हुआ या पाउडर फॉर्म में 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ आप इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। उसके बाद मैदा डालेंगे 2 खाने के चम्मच ठीक है। लेमन जूस डालेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच और सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस या हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच डाल के पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच या मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच। पेस्ट बनाने के बाद चिकन पे लगाना है 3 घंटे रखने के बाद। इसको आपने डीप फ्राई करना है फुल कढ़ाई भर के ऑयल से। रुखसाना जैदी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी आपकी आपकी आवाज़ रुखसाना जैदी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा जरूर मिर्चें ये इतनी ज्यादा नहीं है देखने में लगती है लेकिन इतनी नहीं। आप जब खाएंगे ना क्योंकि इसको बैलेंस कर जाएगा लेमन जूस विनेगर और उसके साथ जो हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर डालेंगे ना वो उसको बैलेंस कर देगा, स्पाइसी नहीं लगेगा, चटपटा सा होगा बड़ा ज्यादा। हाँ नहीं ये इसी तरह बनता है, मिर्चें इसमें बैलेंस हो जाएंगी, कुटी हुई लाल मिर्च से ही इसका फ्लेवर आएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक एक पीस आपने डीप फ्राई करना है ठीक है, एक एक पीस डीप फ्राई करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका क्रंची सा कलर आया है ठीक है, क्रंची सा इसका कलर आया है। इन तरीके से जो कलर इंदो डार्क ब्राउनिश शेड में रेडिश ब्राउन कलर इंदो स्क्रीन ते अलग इंदो है, हर कंहिं जो टीवी जो 5 शेड्स हूंदा आहिनि लेकिन इनजो ओरिजिनल कलर यही आहे ठीक है। इनखे फ्राई कंदासीं, फ्राई करे पोइ इनखे सिंपल तां सलाद सगत रायते सगत सर्व करे सघो था ठीक है। हिनजी रेसिपी रिपीट कयां पियो, चिकन पटाखा ही मज़ेदार रेसिपी आहे। अयूबिया नथिया गली मरी साइड ते जेको नथिया गली आहे हुते हिकु रेस्टोरेंट में ठहंदी आहे, ॿाहिरि हू स्ट्रीट ते ई हुते जेको मार्केट आहे रोड आहे हुते ई हिनजो रेस्टोरेंट आहे, हू काफ़ी मशहूरु आहे हुते जा। हिन लाइ असां खणंदासीं टिके जा पीस 4 खणी वठो या 3 खणी वठो, मूं 3 खयां आहिनि ठीक आहे। हुन में विझंदासीं हिकिड़ी प्याली में अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाइण जा चमचा, लीमे जो रस 4 खाइण जा चमचा, अछो सिरको 2 खाइण जा चमचा, चिली सॉस या हॉट सॉस जेको चाइनीज़ में विझंदा आहियूं उहो 1 खाइण जो चमचो ठीक आहे। हुन खां पोइ विझंदासीं हिन में कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 4 चांहि जा चमचा, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, हैड 1 चांहि जो चमचो, पीठल धाणा 2 खाइण जा चमचा, गरम मसालो पाउडर 1 चांहि जो चमचो, अछो जीरे पाउडर में पीठल 1 चांहि जो चमचो, लूणु 1 चांहि जो चमचो, कारे मिर्च कुटियल 1 चांहि जो चमचो ठीक आहे। पोइ विझंदो 2 खाइण जा चमचा मैदो ठीक आहे, ऐं मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर सरे जे बिजन जो पाउडर या पेस्ट विझी मिक्स कंदो, पोइ हिनखे चिकन जे मथां लॻाईंदो, टिकन जे मथां हुनखे 3 कलाक रखण खां पोइ डीप फ्राई करे हिनखे डिश आउट करे वठंदासीं। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल आपके? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बुरे वाले से बात कर रही हूँ जी, कुछ कहना चाहेंगी? कल कबाब बनाए थे, उसकी रेसिपी कबाब। किस चीज़ की? कबाब बनाए थे कल, जो कबाब बनाए थे उसकी रेसिपी रिपीट करा दूं? हेलो ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ जाएं, मैं रिपीट कराता हूं ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
ठीक है, इसको अब ऑयल गरम गरम डालते जा रहे हैं और इसको फ्राई करते जा रहे हैं। अच्छा सा इसमें ऑयल डालना है क्योंकि अंदर तक जो कट लगे हुए वो डीप फ्राई होके अच्छा से तैयार हो जाए। कल हमने बनाए थे बचे हुए चावलों के चपली कबाब, उसके लिए एक प्लेट चावल होने चाहिए, या बिरयानी के चावल हों, या आपके पास पुलाव है, मटर का पुलाव है, आलू का पुलाव है, या वेजिटेबल पुलाव है, या बिरयानी वाले राइस हैं, या वाइट राइस बच जाते हैं घर में, दाल चावल बनाते हैं इस तरह, तो एक प्लेट पूरे चावल होने चाहिए भर के। ठीक है, चार बड़े आलू आपने बॉयल कर लेना है, उसको मैश, मोटा मोटा मैश करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों चीज़ों को एक बॉल में डालेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें एक अदद बड़ा प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके, तीन अदद हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डालेंगे, आधा कप जितना हरा धनिया बारीक कटिंग करके डालेंगे, फिर लेमन का जूस डालेंगे इसमें दो खाने के चम्मच। उसके बाद आपने डालना है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कूट के या भुना कुटा डाल दें या सादा कूट के डाल दें एक खाने का चम्मच, साबित धनिया कूट के भून के दो खाने के चम्मच डालेंगे, गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। ठीक है, फिर चाट मसाला है तो वो भी आधा चाय का चम्मच डाल दें। उसके बाद आपने इस सबको मिक्स कर देना। ठीक है, अनारदाना ज़रूर डालिएगा, अनारदाने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दो खाने के चम्मच अनारदाना डाला। फिर आपने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर, तीन खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगी, उसके बाद एक अदद अंडा डालेंगे। ठीक है, अगर वेजिटेरियन है तो अंडा नहीं खाना चाहते तो ना डालें, लेकिन अंडे से बाइंडिंग अच्छी होगी। और तीन खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स करें। एक पेड़ा बनाएं हाथ में, जैसे चपली कबाब का साइज़ होता है उसलिए, एक जैसे रोटी का पेड़ा होता है इतना बना के, हाथ गीला करके पेड़ा बना के इसको हाथ से फ्लैट करें, ऊपर टमाटर का स्लाइस रखें, हल्का सा प्रेस करके उसको शैलो फ्राई करें, और टमाटर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, टमाटर वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, आपने इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करके फिर आपने क्या करना है, उसको दोनों साइड से कलर आ जाएगा, आपने निकाल लेना, फिर रायते और चटनी के साथ आप सर्व करें। ठीक है, बचे हुए चावलों के चपली कबाब थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको अच्छी तरह मैं फ्राई कर रहा हूँ, और ये जो रेसिपी बन रही है बहुत ही मज़े की है, पटाखा चिकन, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, मज़ेदार ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम भी आने वाला है, जब तक मैं ये सारी रेसिपी इसमें फ्राई करूँगा ये जो चिकन है, फिर हम इसको निकाल कर डिश आउट करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे दलिए का और वेजिटेबल सूप, दलिया और वेजिटेबल का सूप बनाएंगे, सर्दियों के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त सूप है ये, बच्चों को आप लोग दें, बच्चों को दिया करें दलिया और सूजी वगैरह इस तरह की चीज़ें, सूजी का भी सूप बनता है बहुत मज़े का, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ब्रेक जो टाइम किया, इसको हम फ्राई कर रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं सारे पीस फ्राई करके निकाल लूँगा हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई तमामु बहितरीन, जेको असां ठाही आहे चिकन पटाखा, चिकन पटाखा बनाया है ये रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार नथिया गली की, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिश आउट कर दी है। ठीक है, इसको डिश आउट करके ऑनियन रिंग्स के साथ इसको थोड़ा गार्निश कर दें, या प्याज के रिंग ले लें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह आप इसको गार्निश कर दें, खूबसूरत लगती है गार्निश करने से इस तरह की डिशें जो बनाते हैं। एक प्याज ये फिर सलाद की तरह खा भी लेते हैं हम प्याज को, और इसके अंदर कंप्लीट हो गई, ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। कोई लेमन जूस, कोई इसके ऊपर ऐसी चीज़ आपने नहीं डालनी है, का लेमन जूस का अड़ी शे मत ना ही विझणी, हिंजो पांजो ही टेस्ट है। इन सा गड एक चटनी बुधाई तो छा जो तुम खाई, जैमें चार गणियों थूम जो, बल्कि छह गणियों थूम जो कुटे वो, उनमें विझो एक खाने जो चमचो अछो जीरो, ठीक है, एक खाने जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, थोड़ो सो लूण, ठीक है, उन गिदामड़ी जो पेस्ट खड़ी वो अद कप का भी थोड़ा घट, ठीक है, वो सब शूँ मिक्स कर चटनी ठाजो। इसके साथ चटनी बता रहा हूँ, आप खुद बना लीजिएगा। क्वार्टर कप आपने तकरीबन 6 से 8 खाने के चम्मच इमली का पल्प लेना है, कुटी हुई लाल मिर्च उसमें डाल देनी है 1 खाने का चम्मच, लहसुन के 6 से 8 जवे कूट के डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच कूट के उसके अंदर डाल देंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करके गाढ़ी सी इसके साथ मज़ेदार स्पाइसी चटनी आपने रख लेनी है। ठीक है, ये हमारी हो गई कंप्लीट एक रेसिपी। सेकंड रेसिपी हमारी क्या है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। नाहिद खान बात कर रही हैं? जी जी, बिल्कुल। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं?
अभी ज्वाइन किया है लाइक की वजह से आपको। अच्छा, मुझे पता नहीं आप क्या बनाया है, लेकिन जो बनाया है इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं जी चाह रहा है कि मैं आज ट्राई करूं, लेकिन मैंने पूरी रेसिपी नहीं देखी है, तो अभी मैं रेसिपी भी रिपीट कराऊंगा। और ये मैंने नथिया गली की रेसिपी है चिकन पटाखा, वो मैं बना रहा था आज। एक बिल्कुल कीजिए, एक फरमाइश करनी थी आप, मुझे चिकन की सब्जी बनाना, मुझे एक फंक्शन घर में होने वाला है तो चिकन सब्जी बनानी है। चिकन सब्जी बनाना सिखा दूं? ठीक है जी। कब है फंक्शन आपका, अभी टाइम है या? हाँ, 25 को। चलें ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, या तो फिर आप मुझे मैसेज करते हैं, आपको मैं रेसिपी पूरी दे देता हूँ। अगर आपके पेज पर है तो मैं पेज पर, आपने आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं रेसिपी पेज से शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा ये फैसल, ये जो आप बना रहे हैं ना, ये आप उसको कर देंगे आप पेज पर? मैं पेज पर देखूंगी, अगर पेज पर करते हैं या फिर अभी रिपीट करेंगे तो मैं लग रहा है जो आपने मैं, बनाया जी है, मैं रिपीट करता हूँ। और ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है नथिया गली की, इसीलिए मैंने शेयर की है यहाँ पे, तो आप देखिए। मैंने देखा, मुझे कुछ आइडिया हो रहा है वहाँ का ना। जी जी ठीक है, मैं फिर रिपीट कराता हूँ, टीवी की तरफ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंद गोभी 1 कप जितनी, ये हम बना रहे हैं सूप। ठीक है, सर्दियों के हिसाब से बच्चों के लिए भी बेहतरीन, फैमिली के लिए, बुजुर्गों के लिए भी बेहतरीन सूप है, और वेजिटेरियन फैमिलीज के लिए भी बेहतरीन सूप है। लेकिन हम इसमें चिकन का ऐड करेंगे, आप फिर चिकन स्टॉक नहीं डालिएगा। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा फाइन चॉप कर लेंगे। 1 कप जितनी बंद गोभी, अगर बंद गोभी ना है पसंद तो पुन्नावी जी जो, अदरवाइज बंद गोभी खाएं, इनमें फ्लेवर सुठो इंदो। ठीक है, 1 कप बंद गोभी फाइन चॉप कयल, हिते आहिन 1/2 कप जितना मटर। ठीक है, 1/2 कप जितने मटर, 1 छोटी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 छोटी शिमला मिर्च, इसके भी क्यूब्स बना लेते हैं। ठीक है, सीड इसके हटा दें, वैसे सीड हटाने नहीं चाहिए, लोग हटा तो देते हैं, वो भी साथ ही डाल दिया करें, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटे क्यूब्स में हो गई शिमला मिर्च, 1/2 कप जितनी तकरीबन, 1/2 कप शिमला मिर्च है, और गाजर हम लेंगे 1/2 कप जितनी। ठीक है, गाजर भी 1/2 कप जितनी गाजर, इस तरह जूलियन कटिंग करके आपने गाजर को भी कट कर देना। ठीक है, 1/2 कप गाजर चली गई, थोड़ी सी और डाल देते हैं इसमें गाजर, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, अगर बंद गोभी 1/2 कप करना चाहें तो 1/2 कप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी भाई हाणे छा कंदासी, हिते आए मोट साई बसर जो अच्छो वारो हिस्सो, हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट, जो ऐसे सफ़ेद होता है हरी मिर्च, हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट आपने ले लेना। ठीक है, ये एक ले लेना है। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच अदरक है, 1 चाय का चम्मच लहसुन है कुटा हुआ, 2 चाय के चम्मच जितना है, 3 जवे लहसुन के ले लें, 3 से 4 जवे, और 1/2 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का, इसको चॉप कर लिया। यहाँ पे हमने पतीला ऑयल लेना है, कितना, 2 टेबल स्पून, एक नॉर्मल ऑयल ले लें या आपने ले लेना है ऑलिव ऑयल। ठीक है, नॉर्मल ऑयल खड़ी वठो या ऑलिव ऑयल खड़ी वठो, जैतून जो ऑयल जो होंगे। ठीक है, पीण वारो ऑयल जैसे गर्म होगा, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, 1.5 से 2 चाय के चम्मच जितना। ठीक है, इसकी हल्की सी खुशबू आएगी, ये बहुत मज़े का दलिया है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज का वाइट पार्ट, हरी प्याज का, बस हल्का सा इसको सौते करेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, ये सूप बन रहा है दलिया और वेजिटेबल सूप, और एंड वेजिटेबल सूप। ठीक है, दलियो जो असं खाईंदा आहियूं, हुन जो सूप आहे दलियो, ही ॾेखारे छॾां, ही ॾिसो, 1 प्याली दलियो आहे, यानी 1/2 कप खां थोरो मथे। ठीक आहे, ही दलियो पिचकियल आहे, ठीक आहे, ही ओट जेको मिलंदो आहे दॿे में उहो आहे, दाणे वारो न आहे। ठीक है, ये दलिया वो है, आप समझ गए होंगे, मिलता है, ये हमने इसमें डाल देना है 1/2 कप से थोड़ा ऊपर,
हल्का सा, इसको पकाना नहीं है, हल्का सा सौते करना है। हल्को सोचे ऑयल में, खंड जा चमचा ऑयल, एक चाय जो चमचे जी अदरक, एक चाय जो चमचे जी थूम कुटे या बारीक कटिंग करे विझंद, उनका पो साई बसर जो अच्छो वो हिस्सों है वो विझंद, गाढ़ी बसर न विझो, ठीक है। यो विझी हल्को सुनके सौते कंदो, नरम कंदो, उनका पो ही दलियो विदो, दलिया इसमें जब डाला हल्का सा फूलना शुरू किया, ठीक है। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, उसमें आपने अदरक और लहसुन एक एक चाय का चम्मच कुटा हुआ चॉप किया हुआ डाल देना, और हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट डाल देना है। इसको हल्का सा सौते करना है, फिर आपने 1/4 कप दलिया ले लेना, इसको हल्का सा सौते किया। अब हम इसमें डाल देंगे मटर, मटर 1/2 कप है, 1/2 कप मटर डालें। उसके बाद इसमें 1 कप बंद गोभी, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप गजर, 1/2 कप बंद गोभी, और 1 कप बंद गोभी, 1/2 कप गजर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप मटर, ठीक है। बस फिर हल्को सो सोते के हो हिते आए चिकन स्टॉक, यानी चिकन यखनी निर्गट जी टाइवर जो बाजू होंदा है जी टाइवर जो ये असा विझंदा से इनमें 6 कप हमने इसमें चिकन स्टॉक डाल दिया, 6 कप यखनी, ठीक है, 6 खाने के चम्मच यखनी डाली, और सॉरी 6 कप यखनी डाली। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप, मज़े का सूप बनता है, 4 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच, 1-2 बल्कि 3 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह जो शुक्र है, केरे के था गला रुपया जी 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 छा लें तांजा पर मुखे हिकड़ो त हीर पानी खूब सजी रखदी हमें जो लाइट मैडम हुई का ना चाय में सिवे चिकन सजो प्रोग्राम मुखा में सिवे लाइट मैडम हुई का ना मैं रिपीट कराएं दो बना पियो तहां नोट कंदा वंजो काशे में सिवे थी ना ओके। अच्छा इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 चाय जो चमचो हेड, 1/2 चाय जो चमचो लून, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/2 चाय का चम्मच नमक डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें एक बॉयलिंग आएगी, इसको कवर कर दूंगा 10 मिनट के लिए, जब तक ये तैयार हो जाएगा, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। इनमें हेड भी दी 1/2 चाय जो चमचे जो भी अध चाय जो चमचो लून मिक्स कर, और जी बॉयलिंग इन इनके कवर कंदासी 10-12 मिनट ला हल्की बाहे थे, एक शॉर्ट ब्रेक ते वो तो ब्रेक का पूछी रेसिपी कंटिन्यू कंदासी। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया। हाणे सूप ठहे पियो, सूप काफ़ी सारा तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया। हे जेको सूप आहे इहो आहे ओट ऐं वेजिटेबल, यानी दलियूं ऐं वेजिटेबल जो सूप, तमामु बहितरीन तव्हांजे साम्हूं हे ठहे पियो। हिनखे ज़रूरु ट्राए कजो। अगरि वेजिटेरियन फैमिलीज़ आहियो त पोइ तव्हां सिर्फ़ु पाणी जो इस्तेमालु कजो, असां हिन में चिकन यखनी जो कयो आहे, ठीकु आहे। इसमें चिकन यखनी का इस्तेमालु किया आहे, वेजिटेरियन्स आहिनि त आप इसमें फिर पानी डाल सकते हैं यखनी की जगह, ठीक है। लेकिन यखनी मैंने डाली है, रेसिपी पूरी दोनों रिपीट करा रहा हूँ। अच्छा ये अब चेक करते हैं, 10 मिनट से 12 मिनट इसको हो गए, ये देखें इसमें गाढ़ापन आ गया, ठीक है। दलिया जो है इसके अंदर फूल गया है, और ये ज़बरदस्त किस्म का सूप है। आप इसके बाद फिर खाना नहीं खाएं, आप ये सूप भर के पिए गरम गरम, बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, कितना 1 खाने का चम्मच बस। अगर कम पसंद है तो 1 चाय का चम्मच कर दें, ये बैलेंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, चल 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच आपकी मर्ज़ी है। ये किया, इसको मिक्स किया, हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा हमने भगार में डाला था, और हरा वाला हिस्सा ये 1/2 कप जितना ही ऊपर से आखिर में डालेंगे। साई बसर जो जेको अच्छो हिस्सो असां शुरू में ऑयल में विधो, ऐं साओ हिस्सो जेको आहे इहो मथां विधो। इसको मिक्स किया, चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चाय जो चम्मचों कुटियल कारा मिर्च, पुदीने के पत्ते 2 से 3 टेबल स्पून, पुदीने जा पत्ता वॉश करे 2/4 टेबल स्पून, कारा मिर्च कुटियल इनमें विझी छड़िया
आधा चाहिए चम्मच। चूल्हा बंद करके कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई डालिएगा, पिसी हुई नहीं, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च डाल दी इसमें, आधा चाय का चम्मच हरी प्याज का वाइट हरा वाला प्याज हिस्सा डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच जितना, और उसके साथ 2 खाने के चम्मच जितना आपने पुदीना डाल देना, ठीक है। ये हो गई हमारा सूप कंप्लीट, इसको हम निकाल देते हैं बाउल में। ठीक है, दोनों रेसिपी ज़बरदस्त, और रिपीट कराता हूँ दोनों रेसिपीज आपको। ये सूप बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल डिफरेंट सूप है, सर्दियों का है, गरम गरम बनाएं और उसको आप पिए, बहुत मज़े का होगा। फोर परसेंट सर्विंग है, ठीक है, 4 प्याले, आप 2 प्याले भी पी सकते हैं, लेकिन ये मैंने 4 प्यालों के हिसाब से बनाया। ठीक है, सूप की रेसिपी भी पूरी रिपीट कराता हूँ, और चिकन पटाखा जो बनाया है इसकी रेसिपी, जो नथिया गली की हमने चिकन बनाई है, कल भी मज़ेदार रेसिपी बनेगी, बल्कि भी देखिएगा, आप लोग की फरमाइशें भी साथ साथ पूरी हो रही हैं, और अपनी भी कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो ये आप इंजॉय करते जाए इनको। जी कॉल बटूदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, बड़ी मज़ेदार बनाया है दोनों चीज़ें। थैंक यू। तो मैंने कहा जो आपकी पटाखा चिकन है और अंडा चिंगारी है और मेरे पास भी एक चीज है, छोला खिचड़ी है। अच्छा, छोला खिचड़ी। अच्छा, मैंने कहा आप सर्दियों में गर्म काम कर रहे हैं, चिंगारियां लगा रहे हैं, पटाखे लगा रहे हैं। नाम ऐसे है ना, मजे मजे के इनके डिफरेंट। सही बात है, लेकिन मुझे उसकी चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैरिनेशन बहुत अच्छी, और ये पकने के बाद भी बड़ी कटलेट्स बहुत मजे के थे, नो डाउट। कल वाले जी, उसका टोमेटो जो फ्राई होके फिर उसके कटलेट्स के साथ मजा आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं, मेरे पास भी बची हुई तहरी थी ना, तो मैंने तो बना डाले थे। अच्छा, बना लिए। आलू भी उसी में मैश कर दिए थे। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अब फिर आज कौन सी चिंगारी लगाते हो किस में। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मजे मजे के नाम है उस दिन, हवा के अंडा चिंगारी बनाया था, चिकन पटाखा बनाया है, तो वाकई सही कह रही है, इनके नाम ऐसे होते हैं, तो बस नाम होता क्या है, चिकन ही होती है या वेजिटेबल्स होती हैं, बस डिशों के हम नाम चेंज कर देते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, चिकन जो पटाखा बनाया है इसके लिए हमने लेनी है चिकन के 4 पीस ले लें टिक्के के, या होल चिकन ले लें पूरी, या 3 पीस ले लें, ठीक है। मसाले के लिए आपने क्या लेना है, 4 चाय के चम्मच अच्छा कुटी लाल मिर्च, जैसे रुखसाना जैदी कह रही थी कि स्पाइसी नहीं है, मैंने ऊपर से भी आप देखेंगे इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क दी है, बहुत मज़े का उससे फ्लेवर आएगा। कुटी लाल मिर्च 4 चाय के चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इन सब मसालों को मिक्स किया, फिर मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच डाल दें, चिली सॉस या हॉट सॉस जो होता है वो 1 खाने का चम्मच डालेंगे, विनेगर वाइट सिरका 2 खाने के चम्मच डालेंगे, लेमन जूस 2 से 3 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैदा डालना है 2 खाने के चम्मच, सब चीज़ों को मिक्स किया, चिकन को कट्स लगाए, उसके अंदर मसाला अच्छी तरह मैरिनेट करके चिकन को आपने 3 घंटे रख देना है, उसके बाद डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से छिड़क दीजिएगा, निकाल के फिर आप इसको रायते सलाद के साथ इस तरह सर्व करें, ठीक है। और जो ऑयल हम डीप फ्राई करें उसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है मसालों का, तो वो ऑयल आप छान के रख दें, ठंडा करके छान के रख दें, फिर आइंदा आपने जो चीज़ उसमें फ्राई करनी है आप उसको फ्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सालन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। और सूप की रेसिपी आपके सामने मैंने बनाई है, दलिया ले लें, ओटमील मिलता है, ये चिपटा सा होता है थोड़ा, एक दानेदार होता है जिसको हम भिगोते हैं, इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल नॉर्मल ले लें, 2 चाय के चम्मच सॉरी, उसमें आपने डालना है जो वाइट वाला पार्ट होता है हरी प्याज का, वो 1 चॉप करके डाल देना है,
ठीक है, उसको आपने हल्का सा सौते करना है। सौते करने के बाद उसके बाद आपने इसमें लहसुन डाल देनी है चॉप करके, हाफ टी स्पून साथ ही डाल दीजिएगा, या 1 टीस्पून लहसुन 1 टीस्पून अदरक चॉप करके डालना, हल्का सा सौते करना है। फिर आपने दलिया जो है ओट मील जो होता है वो आपने डाल देना है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। हाफ कप मटर, हाफ कप गाजर, हाफ कप शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, सब चीज़ों को हल्का सा सौते किया। फिर इसमें चिकन यखनी डाल देनी है तकरीबन 6 से 8 कप डाल के आपने इसको मिक्स करना है। फिर हल्दी हाफ टी स्पून से कम डालनी है, नमक हाफ टी स्पून डालना है और इसको आपने बॉयल करने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट कवर करके। जब ये गाढ़ा बनाने लगेगा सूप तैयार हो जाएगा, मटर वगैरह देखिए गल जाएंगे, हल्की आंच कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपने इसमें डालना है हरी प्याज का हरा वाला पार्ट 2 खाने के चम्मच मिक्स करना है, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच जितनी आपको अच्छी लगे, मैंने हाफ टी स्पून डाला, ठीक है। उसको मिक्स किया, उसके बाद पुदीने के 2 खाने के चम्मच जितने पत्ते चॉप करके डाले, मिक्स करके गर्म गर्म आप इसको पिए, बहुत मज़े का लगेगा। साथ ब्रेड पर आपने मक्खन लगा लें, बहुत मज़े का उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चिकन पटाखा जी रेसिपी रिपीट कराएं तो पटाखा चिकन लाया ही नथिया गली जी रेसिपी, ठीक है, नथिया गली की स्पेशल रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चिकन पटाखा जे लाइ असांखे 4 तिकन जा पीस खणी वठो या 3 खणी वठो, हुनमें मसालो ठाहींदो जंहिंमें तव्हां विझंदो 4 चांहि जा चमचा कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो पीठल ॻाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो हैड, 2 खाइण जा चमचा पीठल धाणा, 1 चांहि जो चमचो गरम मसालो पाउडर, 1 चांहि जो चमचो कारा मिर्च कुटे विझिजो, 1 चांहि जो चमचो लूणु विझंदो, 1 चांहि जो चमचो अछो जीरे जो पाउडर, मैदो खण जो 2 खाइण जा चमचनि में मिलाए छॾिजो, सॼो मसालो प्याले में विझणो आहे, ठीकु आहे। पोइ मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर अगरि आहे न आहे त हुनजे बग़ैर बि ठही वेंदो, आहे त 1 खाइण जो चमचो विझंदो। सिरको अछो 2 खाइण जा चमचा, लीमे जो रस 4 खाइण जा चमचा, हॉट सॉस या चिली सॉस जेको चाइनीज़ में यूज़ कंदा आहियूं उहो 2 खाइण जा चमचा, ठीकु आहे। उहो विझण खां पोइ तव्हां हिनखे चङी तरह मिक्स कंदो, अदरक थूम जो पेस्ट बि 2 खाइण जा चमचा विझंदो, मिक्स करे हे मसालो सॼो चिकन खणंदो, 3 कलाक रखंदो, पोइ डीप फ्राई करे कढी वठंदो। अच्छा, सूप में हमने 4 टेबल स्पून केचप भी डाला था, सॉरी मैं बताना भूल गया, 4 खाने के चम्मच केचप भी डालना है, टोमेटो केचप प्लेन, ठीक है, टोमेटो केचप ज़रूर डालिएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था हमने चिकन में, मैं जल्दी में बताना भूल गया, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी चिकन के मसाले में लगाया था, ठीक है। दलियो ठाहियो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त ॿारनि जे लाइ, तव्हांजे लाइ ज़बरदस्त ही दलियो आहे, सियारे जे दलिये वारो सूप आहे। हिन लाइ असां वेजिटेबल खयूं जंहिंमें 1/2 कप शिमला मिर्च, सभिनी खां पहिरीं छा कंदो, 2 चांहि जा चमच ऑलिव ऑयल या नॉर्मल कुकिंग ऑयल गरम कंदो, अछी बसर जो साई बसर जो अछो वारो हिसो कटिंग करे विझंदो, अदरक ऐं थूम 1/2 चांहि जो चमचो या 2 चांहि जा चमचा कुटे विझंदो, हल्को सो नरम कंदो। हुन खां पोइ हुन में मटर 1/2 कप, गजर 1/2 कप, शिमला मिर्च 1/2 कप सभु कटिंग करे विझंदो, बंद गोभी 1 कप, इहे सभु शयूं विझंदो, दलियो 1/2 कप जेतिरो, दाणे वारो न ॿियो वारो पिचकियल जेको दलियो दॿे में मिले थो, 1/2 कप विझंदो, ओटमील जंहिंखे चइबो आहे, मिक्स कंदो। पोइ हुन खां पोइ 6 कप 8 कप यखनी विझंदो, अगरि वेजिटेरियन आहियो, यखनी न आहे चिकन जी पसंदि त पाणी विझिजो, ठीक आहे, लेकिन पोइ हुन खां पोइ चिकन क्यूब ज़रूरु विझिजो हुनमें, ठीक आहे, हुनखां फ्लेवर ईंदो। उहो विझण खां पोइ हिनखे मिक्स करिणो, बॉयल अचणु ॾियो, हाइड विझंदो 1/2 चांहि जो चमचो लूणु, 1/2 चांहि जो चमचो थोरो हुनखां मथे, कवर करे छॾिजो मीडियम टू लो फ्लेम ते, हिनखे हल्की बाहि ते पचणु ॾिजो, जॾहिं घाटो थियणु लॻंदो सूप वांगुरु तयारु थींदो, भाॼियूं गरी वेंदियूं, मटर चेक करे वठिजो 15 मिंट में तयारु थींदो। पोइ हिनखे कुटियल कारा मिर्च 1/2 चांहि जो चमचो या थोरो हुनखां मथे विझंदो, हुनमें पुदीने जा थोरा 2 खाइण जा चमचा जेतिरा पता विझंदो, साई बसर जो साओ वारो हिसो 2 खाइण जा चमचा विझी मिक्स करी, ऐं लीमे जो रसु 1 खाइण जो चमचो विझंदो। लेमन जूस आख़िर में डाला था काली मिर्च के साथ, इसमें उससे फ्लेवर इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का सूप लगेगा। हुनखां पोइ मिक्स करे तव्हां हिनखे कढी वठंदो, ऐं पोइ हिनखे मज़ेदार गरम गरम ई सूप पीजो, बुज़ुर्गनि खे ॾियो, बीमार आहे को जेको नथा खाई सघनि स्पाइसी शइ, हुननि जे लाइ तमामु बहितरीन ई सूप आहे। तव्हां ॿारनि खे ॾियो, ॿार वेजिटेबल नथा खाइनि, दलियो ॾियो सूप सां गॾु, हिन तरीक़े सां ठाहे खारायो, मज़े जो लॻंदो। सुभाणे इनशाला नई रेसिपी हूंदी, कल बहुत ही मज़ेदार हिकु रेसिपी बनाएंगे, डिफरेंट रेसिपी है, साथ कुछ मीठा या कोई सूप की रेसिपी सब या कोई ऐसा कहवा देखता हूँ, कोई डिफरेंट बनाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सुभाणे 12 वगे मुलाकात थींदी, तव्हां सां रिपीट में हलंदो, ऐं 4 बजे लाइव हूंदासीं, ऐं का शइ समुझ न अचे त तव्हां रिपीट में ॾिसी सघो था। सुभाणे मज़ेदार रेसिपी हूंदी, पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो, अला हाफ़िज़।
कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो।